करनाल विधानसभा जो अपने आप में एक हॉट सीट बताई जा रही है। चुनाव प्रचार के चलते कांग्रेस के प्रत्याशी सरदार त्रिलोचन सिंह द्वारा आज विभिन्न क्षेत्रों में जाकर चुनाव प्रचार किया गया। इसी कड़ी में पुरानी सब्जी मंडी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनोद तितोरिया द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सरदार त्रिलोचन सिंह ने कहा कि उनके बनने के बाद वह हर वर्ग का उत्थान करेंगे। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि मौजूदा सरकार के राज में कोई भी सुखी नहीं है, हर वर्ग प्रताड़ित है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है दलित गरीब व अन्य हर वर्ग से वे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। इस अवसर पर कांग्रेसी नेता पंकज पुनिया ने भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में कोई भी विकास कार्य नहीं किए हैं। यह तो जब भी कोई विकास के नाम पर इनसे सवाल करता है यह भारत माँ की जय बोलने लगते हैं और किसी दूसरे की बात नहीं सुनते। उन्होंने कहा कि किस तारीख को कांग्रेस की सरकार बहुमत में आएगी और हर वर्ग का विकास किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेसी नेता अशोक खुराना, विनोद तितोरिया के अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, सीएम सिटी है, लेकिन सीएम सिटी होने के बावजूद इसको क्राइम सिटी बनाया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। आप व्यापारी साथी यहाँ पे बैठे, व्यापारी भाई यहाँ पे बैठे हैं, आप बता दीजिए पांच साल में किस तरह से जीएसटी के नाम पे आप लोगों को जो आपके व्यापार को मारने का काम किया गया, जो व्यापार विनोद तितोरिया जी द्वारा कार्यक्रम में लाभ सिंह कॉलोनी में आया हूँ। ये बचपन का मेरा जगह है, यहाँ मैं हमेशा आता रहता हूँ। आज पुरानी सब्जी मंडी या सारे करनाल के फिर मैंने व्यक्ति खड़े हैं, मैं इनसे वोटों की अपील करने आया हूँ कि अब मैं आपका भाई हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं जमा पड़ा पड़ा हुआ दुख सुख का साथी हूँ। और दूसरी तरफ लोगों ने एक विधायक को सुना जो कभी किसी दुख और सुख में शामिल नहीं हुए। एक विधायक को लोग सुनते हैं। अंकित दल चलाए दो मिनट। मैं दुख और सुख में शामिल होगा। उसके अलावा आज जनता में त्राही त्राही है, लॉ एंड ऑर्डर जो सीएम सिटी क्राइम सिटी बन गया है, और उसके अलावा महंगाई का जो आलम है, हमारी हर गृहिणी इतनी तंग है। तीसरा, कर्मचारियों पर रोज लाठीचार्ज, और जो सरकार है पूरी तरह फेल हो चुकी है, लाइन राइड खत्म हो चुका है, उसका मुकाबला मेरा मुख्यमंत्री महोदय से है। मुख्यमंत्री जी का करनाल के लोगों के साथ कोई लगाव नहीं है। तो इस तरह मैम और मेरे साथी बचपन से संघर्ष करते आ रहे हैं, समय समय पर करनाल के लोगों की हम आवाज बन के आते हैं। तो आज मैं सबसे हाथों के निवेदन करने आया हूँ, तो कृपया आए और मेरी मदद करें, कांग्रेस पार्टी की मदद करें, बहन शैलजा की, भूपिंदर सिंह हुड्डा जी की मदद करें। और दोबारा हरियाणा में सरकार बनने जा रही है कांग्रेस में, और आपका भी उसमें हिस्सा हो सरकार में। मैं उम्मीद करता हूँ आपका प्यार, आपका सहयोग मुझे मिलेगा। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।